तो ये कहानी शुरू होती है एक बुढ़ी औरत हेल्गा को दिखाते हुए जिसके अपार्टमेंट में कोई अजीब कीड़ा घुस आया था। हेल्गा को भूलने की भी बीमारी थी, इसीलिए वो सब बातें अपनी वॉल पे लिख लिया करती थी। वहीं से वो हेल्पलाइन का नंबर देखते हुए कॉल करती है और एक लड़का उसके घर आ जाता है। आते ही उसने देखा कि हेल्गा की एयर कंडीशन से अजीब ग्रीन कलर का लिक्विड निकल रहा था जो बहुत ही ज्यादा बदबूदार भी था। खैर, अब वो हेल्गा को डोर नॉक करता है। हेल्गा के दरवाजा खोलते ही वो उससे सवाल करता है, आपके घर के बाहर ऑलरेडी एक इमरजेंसी वैन खड़ी है, अगर वो लोग आपकी मदद को आ गए थे तो आपने दोबारा कॉल क्यों की? ये लोग कहाँ हैं? जवाब में हेल्गा बताती है, मुझे भूलने की बीमारी है, मुझे नहीं याद कि वो लोग कहाँ हैं। अभी लड़का घर के अंदर कीड़ा ढूंढने के लिए चला जाता है जहाँ सीलिंग से उसे खौफनाक आवाजें आ रही थी जिससे वो खुद भी डर चुका था। उसने अंदाजा लगाया जो कुछ भी यहाँ है वो बहुत बड़ा और खतरनाक है। वो जैसे ही आगे रूम की तरफ बढ़ता है तो उसे वहाँ खून दिखाई दे रहा था। यह खून वेंटिलेशन से आ रहा था जहाँ देखने पे वो बुरी तरह शॉक हो गया क्योंकि वहाँ उन्हीं दोनों लोगों की लाशें थी जो पहले हेल्गा की मदद करने के लिए यहाँ आए थे। टाइगर वो भी यहाँ से जाने लगा और जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसके सामने था एक जाइंट इनी बहुत ही बड़ा स्पाइडर जो उसके कुछ सोचने से पहले ही उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद वो उसे भी घसीटते हुए वेंटिलेशन में ले जा चुका था। ये सब बाहर खड़ी हेल्गा देख चुकी थी, वो भी डर गई इसीलिए दूसरे रूम में आ गई। अब क्योंकि उसे भूलने की बीमारी थी इसीलिए यहाँ आते ही उसे सब भूल गया। बेफिक्र होकर उसने टीवी ऑन करके टीवी देखना शुरू कर दिया, पर दोबारा उसे स्पाइडर की आवाजें जब डराने लगी तो तीसरी मरतबा उसने हेल्पलाइन को कॉल मिला दी, जिसके बाद सीन यही से कट हो गया। पर अब हमें 4 दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाएगी कि आखिर ये शुरू कैसे हुआ। तो असल में आज से 4 दिन पहले स्पेस से आने वाला एक मेटियोर हेल्गा के अपार्टमेंट से टकरा गया था। हेल्गा के साथ वाले अपार्टमेंट में उसकी पोती शार्लेट अपनी मोम और अपने स्टेप डैड के साथ रहती थी, पर अक्सर ही वेंटिलेशन पाइप के जरिए वो अपनी ग्रैंड माँ के घर आ जाती थी क्योंकि यहाँ उसका काफी सामान रखा था। और आज जब वो अपने ट्रायल्स लेने के लिए यहाँ आई तब उसने यहाँ पे वो मेट्रॉइड देखा जिस मेट्रॉइड के ऊपर एक अजीब सा स्पाइडर था। ये स्पाइडर शार्लेट को बहुत अच्छा लगा इसीलिए उसने इस स्पाइडर को एक जार में बदल गया और फिर अपने घर आ गई। शार्लेट के डैड एक कॉमिक राइटर थे, अक्सर ही शार्लेट उनकी कॉमिक स्टोरीज लिखने में उनकी मदद करती थी। आज भी जब वो अपनी कॉमिक के लिए स्केचेस बना रहे होते हैं तो शार्लेट उनके पास आ जाती है। वो यहाँ उनकी कॉमिक कैरेक्टर की आंखों में रेड कलर करते हुए कहती है कि अगर आप अपने कॉमिक को एवल बनाए तो ये ज्यादा बिकेंगे। इनकी इन बातों के दौरान हमें पता चलता है कि शार्लेट के स्टेप डैड तो उससे बहुत प्यार करते हैं लेकिन शार्लेट आज तक उन्हें अपने डैड की जगह नहीं दे पाई। शार्लेट की मॉम अक्सर ही शार्लेट की ग्रैंड मॉम इन्हीं हेल्गा के घर जाकर उनका ख्याल रखा करती थी क्योंकि बेशक शार्लेट के डैड ने उन्हें धोखा दिया था लेकिन शार्लेट की ग्रैंड मॉम ने नहीं, वो तो आज तक उनसे बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक कि शार्लेट के डैड ने तो अपनी मॉम यानी शार्लेट की ग्रैंड मॉम को भी धोखा दिया था जिसके चलते उनकी दिमागी हालत इतनी खराब हो गई कि वो सब कुछ भूलने लगी। खैर, अब हमें दिखाया जाता है कि शार्लेट उस स्पाइडर को पोछते दिख रही थी तभी उसके पास एक बग आ जाता है। शार्लेट अपने हाथ से उस बग को मार देती है और इस बग को देखते ही वो स्पाइडर शोर करने लगता है। शार्लेट को लगा कि शायद ये स्पाइडर भूखा है, अब वो अपने मरे हुए बग को स्पाइडर को खिला देती है जिससे स्पाइडर एक ही बार में निकल चुका था। ये देखते हुए शार्लेट हैरान रह गई थी कि कैसे एक स्पाइडर इतने बड़े बग को एक ही बार में खा सकता है, और यही देखने के लिए वो यहाँ आने वाले एक और बग को भी मार के इस स्पाइडर को खिला देती है। और शार्लेट अब ये देखकर हैरान थी कि कैसे ये स्पाइडर किसी भी चीज को खाकर एकदम से अपना साइज बढ़ा रहा था। इतनी देर में शार्लेट के स्टेप डैड जो अपनी कॉमिक स्टोरी लिख रहे थे उन्हें कुछ कंफ्यूजन हो जाती है। वो शार्लेट से हेल्प लेने के लिए जब उसके रूम में आते हैं तो उनकी नजर पड़ती है उसी जार पे जिसमें स्पाइडर रखा था। शार्लेट इस टाइम वॉशरूम में थी इसीलिए वो स्पाइडर को गौर से देखते रहे और जैसे ही शार्लेट अंदर आई तो उन्होंने शार्लेट को बताया, मैं तुम्हारी मदद लेने के लिए आया हूँ अपनी स्टोरी के लिए। शार्लेट कहती है, फिक्र न करें, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी लेकिन अभी मुझे सोना है। जिसके बाद स्पाइडर उसके रूम से चले जाते हैं और ये लोग सो जाते हैं। रात में स्पाइडर हिलजुल करने लगा, शायद उसे भूख लग रही थी पर जितना उसने खाना खाया था उतना उसके लिए काफी नहीं था। बड़ा शिकार ढूंढने के लिए ये स्पाइडर इस जार से निकल जाता है। वेंटिलेशन पाइप से होता हुआ वो एक दूसरे अपॉइंटमेंट में चला गया जो शार्लेट की स्टेप डैड की मॉम का था, यानी शार्लेट की सेकंड ग्रैंड मॉम। ये स्पाइडर शार्लेट की सेकंड ग्रैंड मॉम के पैरेट के ऊपर हमला कर देता है। सुबह होने पर जब ग्रैंड मॉम ने उसे देखा तो उन्होंने जोर से चीख लगाई जिसे सुनते हुए शार्लेट के डैड उनके घर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने देखा कि किसी ने उनके पैरेट को बहुत बुरे तरीके से मारा था, यहाँ तक कि उसकी हालत भी देखने के काबिल नहीं छोड़ी थी। ये लोग सोच में पड़ गए कि आखिर ये किसका काम हो सकता है। तब शार्लेट की ग्रैंड मॉम उसे कहते हैं, हो सकता है किसी चूहे का या किसी जानवर का काम हो। ये लोग यहाँ पर इमरजेंसी कॉल कर देते हैं और रेस्क्यू ऑफिसर उन्हें आकर बताता है ये काम किसी कीड़े का है, ऐसे कीड़े का जिसके स्टिंग्स हो, यानी जिसका डंक हो जिसे बार बार मार के इस पैरेट को मारा गया है। अब ये रेस्क्यू ऑफिसर पूरी बिल्डिंग में इंसेक्ट स्प्रे करने लग जाते हैं और जब बारी आती है शार्लेट करूंगी तो वो स्प्रे करवाने से मना कर देती है
और साफ साफ बता देती है इस आदमी को कि मेरे पास एक स्पाइडर है, उसे मैंने पाला हुआ है, इसलिए मैं स्प्रे नहीं कर पाऊंगी। उसके जाने के बाद शानरेट इसे स्पाइडर से खेलने लगी थी। वो उसे खाने के लिए कुछ बक्स देती है और साथ ही वो नोटिस करती है कि उसके पास जो माउथ फ्रेशनर्स थी, इन माउथ फ्रेशनर की स्मेल से ये स्पाइडर डर रहा था। अब रात में सबके सो जाने के बाद दोबारा हम देखते हैं कि वो स्पाइडर अपने जार से निकलकर वेंटिलेशन पाइप से होते हुए किसी दूसरी लेडी के रूम में चला गया। स्पाइडर को देखते हुए उस लेडी का डॉग भौंकने लगा था। वो अपने डॉग को वहां से साइड पे गई है और अपनी फैमिली की फोटो उठा लेती है। अभी फोटो देख ही रही थी कि उसके ऊपर स्पाइडर आके गिरता है, जिसे देखते ही वो डर गई। ये स्पाइडर अचानक उसके मुंह पे हमला कर चुका था, उसके मुंह से अब खून आ रहा था, जिसे मिरर में देखते हुए वो और भी ज्यादा डर गई। एकदम से स्पाइडर अब उसके मुंह में चला गया। मुंह में जाने के बाद उसने इस लड़की के सारे इंटरनल ऑर्गन्स काट खाए और ऐसे वो मर गई। सुबह होने पर हम देखते हैं कि शार्लेट अपने मॉम से अपने नेबर्स के घर जाने की परमिशन ले रही थी, क्योंकि इनके घर के पास एक ऐसा आदमी रहता था जो एनिमल्स पे रिसर्च करता था। शार्लेट उसे अपना स्पाइडर दिखाती है और कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। स्पाइडर को देखते हुए यह आदमी शार्लेट से कहता है, शार्लेट मुझे लगता है ये कोई स्पाइडर नहीं है, ये कोई और ही चीज है, क्योंकि स्पाइडर को इतना बड़ा होने में बहुत सारा टाइम लग जाता है और ये तो घंटों में अपना साइज बढ़ा रहा है। वो शार्लेट से कहता है कि मैं इस इंसेक्ट के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे ये दोगी। शार्लेट उसे अपना स्पाइडर दे गई और उस पर रिसर्च करने के बाद उसे पता चला कि ये एक इंतहाई खतरनाक किस्म का स्पाइडर था जो किसी इंसान तक को मार सकता था। शार्लेट अपने घर आ चुकी थी जहाँ पर उसके मॉम और डैड बातें कर रहे थे। अचानक उन्हें वेंटिलेशन में से किसी की आवाज आई। वो देखते हैं कि वहाँ पर उसी लेडी का डॉग है जो उनके घर के साथ रहती है। शार्लेट के डैड इस डॉग को उठाकर उस लेडी को घर पे वापस देने के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत बार नॉक करने पे भी जब वो लेडी दरवाजा नहीं खोलती तो शार्लेट के डैड को इमरजेंसी की से वो डोर खोलना पड़ता है। वो डॉग को अंदर भेज देता है, लेकिन अंदर जाते ही डॉग जोर जोर से भौंकने लगा। वहाँ खून के निशान भी थे जो देखकर शार्लेट के डैड भी डर गए। वो अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ उन्हें उस लेडी की लाश मिलती है, जिसे देखते ही वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस बताते हैं कि इस औरत की मौत के पीछे किसी भी इंसान का हाथ नहीं है और ये सुनकर सभी बिल्डिंग के लोग डर गए, क्योंकि पहले बिल्डिंग में जानवर मर रहे थे और अब इंसान भी मरने लगे थे। इन सारी मौत के पीछे कौन था कोई भी नहीं जानता था। अब शार्लेट के नेबर शार्लेट के डैड को अपने घर बुलाता है और उन्हें बताता है कि शार्लेट के पास जो स्पाइडर है वो बहुत ही ज्यादा जहरीला है, प्लीज तुम शार्लेट को समझाओ कि स्पाइडर को कहीं दूर छोड़ा है या फिर मार दे। ये सुनकर शार्लेट के डैड भी हैरान हो गए। वो इस आदमी से पूछते हैं कि क्या ये स्पाइडर किसी इंसान को मार सकता है, और जवाब में जब यह आदमी हाँ बोलता है तो आप शार्लेट के डैड भी डर गए। वो घर जाके शार्लेट को डांटते हैं और कहते हैं, क्या तुम नहीं जानती वो कितना खतरनाक है, वो इंसानों को भी मार सकता है, तुम इसे घर पे नहीं रख सकती। शार्लेट इस चीज का जवाब बहुत ही बदतमीजी से देती है और कहती है, आप मेरे डैड नहीं, आप मुझे डांट नहीं सकते और कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा सकते मेरे पे। मैं जानती हूँ ये स्पाइडर अच्छा है और इसे मैं अपने पास रखूंगी, ये मेरा फैसला है। सीन कट होकर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। शार्लेट ने जिस आदमी के घर उस स्पाइडर को रखवाया था, उस आदमी के सभी जानवरों को ये स्पाइडर खा चुका था, जिसके बाद अब वो वेंटिलेशन में आ चुका था। शार्लेट अपनी मरी हुई नेबर के डॉग को अपने घर पे ले आई थी। ये डॉग अब वेंटिलेशन को देखकर जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है, जैसे उसे पता हो कि इस वेंटिलेशन में कोई खतरा है। सीन कट होकर हमें शार्लेट की सेकंड ग्रैंड मॉम का घर दिखाया जाता है, जहाँ उन्हें अपनी बिल्ली नहीं मिल रही। वो उसे बहुत ढूंढती है और अचानक उन्हें अपनी बिल्ली की आवाज वेंटिलेशन में से आती है। वो वेंटिलेशन में जब उसे लेने के लिए गई तो यहाँ मौजूद बग अचानक ही उनके ऊपर हमला कर देता है। वो उन्हें बुरी तरह जख्मी कर चुका था कि अब वो लेडी किसी को मदद के लिए आवाज भी नहीं दे पा रही थी, ये समझ लें कि वो अपनी आखिरी सांसें गिनने लगी। या शार्लेट के घर पे शार्लेट के मॉम डैड दोनों ही लड़ रहे थे। शार्लेट को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो अपने भाई को वहां से उठाती है और अपने रूम में ले जाती है। साथ ही साथ उसने अपने कानों पे हेडफोन भी लगा लिए ताकि वो अपने मॉम डैड की लड़ाई न सुन सके। यहाँ इनकी लड़ाई के दौरान ही वेंटिलेशन पाइप से वो बड़ा हुआ स्पाइडर अब इनके रूम में आ चुका था, जो शार्लेट के मॉम और डैड दोनों के ऊपर ही हमला कर लेता है। यहाँ शार्लेट जो अपने कमरे में थी, उसे जब काफी देर तक अपने मॉम डैड की कोई आवाज नहीं आई तो वो चेक करने के लिए बाहर गई। बाहर उसे अपने मॉम डैड नहीं मिले, बल्कि उनकी जगह मिला बहुत सारा खून, जिसे देखते हुए वो समझ गई कि सारा काम उसके स्पाइडर का है। उसे समझ आ गई कि अगर उसे अपने मॉम डैड को बचाना है तो उसे उस स्पाइडर को मारना पड़ेगा। ये बात वो पहले से ही जानती थी कि माउथ फ्रेशनर टैबलेट से वो स्पाइडर डरता था और इन्हीं का यूज करते हुए वो अब उस स्पाइडर को मारने का प्लान करती है। और इससे पहले कि अभी वो ऐसा कुछ कर पाती, स्पाइडर उसकी आंखों के सामने उसके भाई को, उस छोटे से बच्चे को भी उठा कर ले जाता है। अब अपनी पूरी फैमिली को बचाने के लिए शार्लेट बहुत से माउथ फ्रेशनर टैबलेट्स को पानी में मिक्स करते हुए उन्हें अपनी वाटर गन में फिल कर लेती है, जिसके बाद वो वेंटिलेशन में चली जाती है, क्योंकि उसे पता था कि सभी को इस स्पाइडर ने वेंटिलेशन में जाकर मारा है। यहाँ वेंटिलेशन के अंदर
जैसे ही शार्लेट के डैड की आंखें खुली तो उसने अपने आप को अजीब से वेब में बंधा पाया। उसके सामने उसकी मॉम भी थी, उसका बेटा और वाइफ भी, ये सब के सब वेब में बंधे थे जो वेब इनकेट स्पाइडर ने बनाया था। शार्लेट के डैड अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनका वेब टूट जाता है और वो लेडी नीचे गिर जाती है। यहाँ वेंटिलेशन से होते हुए शार्लेट हेल्गा के घर आ गई, जहाँ उसे अपनी सेकंड ग्रैंड मॉम की गिरी हुई लाश मिली, लेकिन अभी तक उसे अपने मॉम डैड नहीं मिले। वो यहाँ हेल्गा से इन सारी चीजों के बारे में पूछती है, लेकिन हेल्गा को कुछ याद नहीं था। वो हेल्गा के कपड़े सूंघती है तो उसमें से माउथ फ्रेशनर की खुशबू आ रही थी। वो समझ गई कि शायद इसी वजह से स्पाइडर ने अभी तक उन्हें नहीं मारा। यहाँ शार्लेट हेल्गा से कहती है, आप यही रहिएगा और प्लीज मदद के लिए हेल्पलाइन पे कॉल करें। अभी वो यही कहती है कि अचानक उसे अपने स्टेप डैड की आवाज आई, वो भी एलिवेटर की तरफ से। जल्दी से वो एलिवेटर की तरफ गई तो उसने वहां पर अपने डैड को वेब्स में बंधा पाया। शार्लेट के हाथ में माउथ फ्रेशनर वाला पानी था, जिसे वो जल्दी से अपने डैड के ऊपर डाल देती है और उसके सभी वेब्स टूट जाते हैं। शार्लेट बताती है कि ये माउथ फ्रेशनर का पानी है, इससे स्पाइडर को मारा जा सकता है और उसके वेब को तोड़ा जा सकता है। ये दोनों अब यहाँ से बाकी लोगों को बचाने का फैसला करते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो रेस्क्यू ऑफिसर जो इस बिल्डिंग में पहले भी पैरेट के मरने पे आया था, वही दोबारा हेल्गा के कॉल करने पे आया। ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा। आते ही उसे एयर कंडीशन के अंदर ग्रीन कलर का बदबूदार लिक्विड दिखा और उसके बाद वो हेल्गा के घर में आ गया। हेल्गा के घर के अंदर आने पर वो स्पाइडर इस रेस्क्यू ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी चीखें सुनते हुए यहाँ पर शार्लेट और उसके डैड आ जाते हैं। ये दोनों भी स्पाइडर के ही हमले से बहुत ज्यादा जख्मी थे, वो इस आदमी को बचाना चाहते थे, लेकिन तभी इनके सामने स्पाइडर आ गया। तब शार्लेट के डैड अपने हाथ में पकड़ा हुआ माउथ फ्रेशनर वाला पानी उसके ऊपर डाल देते हैं, जिससे डर कर स्पाइडर यहाँ से चली जाती है। अब रेस्क्यू ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि उसके पास एक नेल गन है, इसके जरिए वो स्पाइडर को मार सकते हैं। और जैसे ही स्पाइडर उनके सामने आती है, ये आदमी स्पाइडर के ऊपर अपनी नेल गन से हमला कर देता है, जिसके बाद वो देखते हैं कि स्पाइडर के अंदर से ब्लू कलर का फोन निकल रहा था। इस सारी लड़ाई के दौरान एक नेल गन वहाँ लगे फायर अलार्म के ऊपर भी लग गई, जिसकी वजह से बिल्डिंग में मौजूद सारे वाटर स्प्रिंकलर्स ऑन हो गए। इनके ऊपर पानी की बारिश होना शुरू हो गई, जिससे माउथ फ्रेशनर का पानी जो इन्होंने अपने ऊपर डाला था, जिसकी वजह से वो स्पाइडर इनके करीब नहीं आ रहा था, वो सारा पानी ढीलने लगा था। इसलिए स्पाइडर का खतरा उनके ऊपर बढ़ता गया और इसी चीज का फायदा उठाते हुए स्पाइडर वहाँ आकर उस रेस्क्यू ऑफिसर को ले जा चुका था। अपनी बाकी फैमिली को बचाने के लिए शार्लेट और उसके डैड आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शार्लेट की मॉम और भाई को स्पाइडर ने गार्बेज टनल के अंदर रख दिया था, जिनको बचाने के लिए ये दोनों ही टनल के अंदर चले जाते हैं। रिमोट के जरिए शार्लेट के डैड इस टनल को ऑन करने की कोशिश करते हैं, ताकि गार्बेज की तरह वो भी इस बिल्डिंग से बाहर गिर जाए, लेकिन बदकिस्मती से ये काम नहीं कर रही थी। वो बाहर निकल कर इसकी वायर को जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो जोड़ते हुए उन्हें बुरी तरह करंट लग चुका था और वो यहाँ उतर गए। ऐसा लग रहा था कि वो मर गए। इससे पहले कि शार्लेट अपने डैड के लिए कुछ करती, वो देखते हैं कि स्पाइडर उनके बहुत करीब आ गया। बिना वक्त जाया किए वो इस टनल का बटन दबा चुकी थी। किस्मत से ये अब काम कर रहा था। टनल का दरवाजा ठीक उसी वक्त बंद होता है जब स्पाइडर वहाँ आया और उस दरवाजे के नीचे आकर वो मर गया। इन लोगों की जान फाइनली अब स्पाइडर से बच गई थी। ये लोग टनल से निकल गए अब शार्लेट के डैड के पास आते हैं और देखते हैं कि शार्लेट के डैड सिर्फ बेहोश थे, इनके होश दिलाने पे वो होश में भी आ गए और ये देखकर सभी बहुत खुश हुए। शार्लेट यहाँ पहली मर्तबा उसे अपना डैड कह के पुकारती है, जो सुनकर शार्लेट के डैड हैरान थे। ये सब इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे से गले लग जाते हैं। इन्हें लग रहा था कि अब सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, अब इनके आगे की लाइफ ठीक हो जाएगी, लेकिन ये लोग गलत थे। मूवी के आखिरी सीन में हमें वेंटिलेशन के अंदर बहुत से स्पाइडर के एग्स दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब है कि खतरा पूरी तरह अभी टला नहीं। आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था। इसी खतरनाक और मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये कहानी यही खत्म।